बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल वलीयक अल फरज व अहले कदुआ मिन अल जिन्न व इंस मिन अल वलीन व आखरीन। हम इस वक्त मौजूद हैं बखर में रिहायशगाह सैयद मुर्तजा आशिक साहब के यहाँ। यहाँ पे आज जो इनका वादा था कि 100 शादियाँ जो करवाई जाएंगी, आज ये आप देख रहे हैं सारा सामान जो है वो यहाँ पे मौजूद है और सारी पार्टियां भी आ चुकी हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा निकाह खानी का। उसमें हमारे अहले सुन्नत के भी आलिम दीन कारी शफाक साहब, अहले सुन्नत के जो निकाह खान है वो मुकर्रर हुए हैं, और हमारी तरफ से सैयद सलीम अब्बास शाह साहब कुम्मी वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक बेहतरीन वादत का एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। लोग बातें करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने इस बात को साबित किया है। बिला तफरीक यहाँ पे ये शादियाँ हो रही हैं, जिसमें हमारे बहुत से लोगों ने, चूँकि 100 घर का इनका टारगेट था, 100 शादियों का, और 300 तक बता रहे हैं कि उसकी लिस्ट जा चुकी है, जिसमें आज ये 100 जो शादियाँ वो इंशाल्लाह आज खैरियत से वो अंजाम पाएंगी। तो ये एक बेहतरीन मैसेज है पूरी कौम के लिए, एक वहदत के लिए। वहदत के नाम पर जमातें बनाना आसान है लेकिन वहदत का काम करना वो असली हदफ है। तो सुभानअल्लाह साहब ने इसको जो है वो साबित किया है, और दोस्तान भी यहाँ पे मौजूद हैं, और किसी से कोई ताउन की अपील या किसी से कोई अपने जाती जो मौला ने इन्हें रिज़्क़ अता किया है उसमें से इन्होंने ये हिस्सा मुख्तस किया है। हम यहाँ दुआ करने आए हैं कि खालिक लम यज़ल इनको मजीद हिम्मत और ताकत और तौफीक दे, और जो इन्होंने वेलफेयर बनाई है उम्मीदुल गुरबा, और इसी तरह पूरी उम्मत के लिए बिला मजहब व तफरीक के ये काम किया जाए। तो हम सब दुआगो हैं, ये बखर के लिए एक एज़ाज़ है, ये पंजाब के लिए एक एज़ाज़ है, और ये पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है, और बिलखसूस मुहिबान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद और ज़ाकिरीन उज़ाम जो खादिम हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इमाम असर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमारे ज़हूर को करीब करो अपने अच्छे अमाल की वजह से। सुभानअल्लाह। तो इससे बड़ा जो कोई अमल है वो हो नहीं सकता कि किसी का घर आबाद करना। उसमें जो जितनी काविशें इन्होंने की हैं शाह साहब ने, अल्लाह इन्हें दीन दुनिया और आखरत का अजर अता फरमाए, और पूरी टीम जो इनकी है जिन्होंने मिलकर, आप ये दिखाए ना ये सारा सामान लगा हुआ है, ये आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो ये वहाँ पे बारात का जो सारा अरेंजमेंट्स है वो वहाँ किए गए, खाने रेडी हो रहे हैं, कच्चा खाना बड़ा जैसे हम अपनी शादियों में कहते हैं उसी लेवल के कच्चा खाना जो ये दे रहे हैं। तो खुदा वंदे मुताल इस वेलफेयर को, उम्मीदुल गुरबा को, शाह साहब को, और तमाम लोगों को और तमाम मामिनीन को, इनकी टीम को खुदा हमेशा आबाद और शाद रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आलम इस्लाम के लिए, हमेशा पाकिस्तान के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।